निरहुआ रिक्शा वाला बनिए निरहुआ चुनाव वाला, भोजपुरी के जुबली स्टार बनिए मंत्री। ये वही निरहुआ हैं जिनके नाम से ही भोजपुरी फिल्में हिट हो जाती हैं। तो यूट्यूब पर ये किसी दिन ट्रेंड ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि आजमगढ़ सीट पर निरहुआ का मुकाबला यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है। एक तरफ अखिलेश का राजनीतिक बैकग्राउंड तो दूसरी तरफ निरहुआ की फैन फॉलोइंग। आखिर किसकी होगी जीत, कौन बनेगा आजमगढ़ का राजा, ये तो खैर जल्द ही पता चल जाएगा। किसके सिर सजेगा आजमगढ़ का ताज। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी ने आजमगढ़ से निरहुआ को ही टिकट क्यों दिया। क्या है आजमगढ़ से निरहुआ का कनेक्शन? निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव भोजपुरी के जुबली स्टार माने जाते हैं और भोजवुड का आजमगढ़ पर खासा प्रभाव है। आजमगढ़ में भोजपुरी बोलने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं ये सीट यादवों का गढ़ मानी जाती है। साल 2014 में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार मुलायम मैनपुरी से लड़ रहे हैं। मुलायम के बाद अखिलेश ने विरासत में ये सीट पाई है। बीजेपी ने भी सपा के खिलाफ अपना यादव कार्ड खेला है और अखिलेश के खिलाफ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहां से उतारा है, जिस वजह से आजमगढ़ की ये सीट अब और भी हॉट हो गई है। अखिलेश को यूपी की राजनीति परख है, पर निरहुआ लोगों के दिलों में बसता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। राजनीति के मैदान में विरासत और फैन फॉलोइंग की लड़ाई है। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।